हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी बात बताने वाली हूँ। मेरा वीडियो पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो ये है मेरा स्पाइडर प्लांट। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि स्पाइडर प्लांट है, और ये है पेंडानस प्लांट। तो ये दोनों के अंदर मैं आज आपको फ़र्क बताने वाली हूँ, और बताने वाली हूँ कि दोनों के नेचर में क्या क्या फ़र्क है और इसको कैसे ग्रो करते हैं और इसकी कैसे केयर की जाती है। तो ये है पेंडानस, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है, और ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है और इसको छाया में रखा जाता है। तो ये तो हुई स्पाइडर प्लांट की बात। और इसके जो बेबीज़ होते हैं वो इस तरह से रनर निकलता है इसमें, एक ये तो इसके अंदर जो ये आगे निकलते हैं, ये बेबीज़ होते हैं इसके, इससे इसको प्रोपोगेट किया जाता है। इसमें इस जगह पे जड़ होती है, ये इसको मिट्टी में लगा देंगे, इस तरह से टच कर देंगे तो भी आप इसको उगा सकते हैं। और ये इस तरह से इसमें इसके अंदर इस तरह से कलियां लगती है और इसमें फूल भी आते हैं। मेरा शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ये छोटे छोटे बेबीज़ निकालता है ये इस तरह से रनर के थ्रू। तो इसको आप तोड़ करके इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी एक पौधे से दूसरा पौधा बना सकते हैं। तो ये तो हुई स्पाइडर प्लांट की बात। अब जो पेंडानस प्लांट होता है उसके अंदर ये भी बहुत अच्छा पौधा है। ये मैंने तो इसको सेमी शेड में रख रखा था, जहाँ पे इसको थोड़ी धूप भी मिलती थी और थोड़ी छाया भी मिलती है। मतलब मैंने इसको इस जगह पे रखा है, यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की धूप आती है और 1 बजे के बाद में यहाँ पे छाया आने लग जाती है। तो ये जगह पे मैंने इसको रखा था। तो आज मैं इसकी सफाई करने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दोनों में फ़र्क बता दूँ, क्योंकि ये एक जैसे दिखने वाले प्लांट हैं, आप भी देख सकते हो। तो इसको मैंने थोड़ा सा धूप में रखा था, हल्की धूप में, और ये तो हमेशा छाया में रखा जाता है, क्योंकि धूप में अगर स्पाइडर प्लांट को रखोगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएगी, और पीली पड़ेगी तो इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तो इसको हल्की धूप में रख सकते हैं आप। और इसका प्रोपोगेशन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, कि ये भी अपने बेबी निकालता है, देखो कुछ इस तरह से। ये जो छोटे छोटे इसके बेबी निकल रहे हैं, ये देखो, ये नीचे से निकल रहे हैं और ये बड़े बेबी हैं इसके। तो ये जो बेबी है इसका, ये इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं आप इसको यहाँ से। चलिए मैं आप लोगों को एक करके ही बताती हूँ। ये मेरा प्लांट बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है, तो मैं इसमें से आपको ये वाला बेबी निकाल के बताती हूँ। तो इसको बस मैं जस्ट यहाँ से ये नीचे की तरफ झुका के इसको तोड़ लूँगी। कटर से काट भी सकते हैं इसको। ये इसको मैं यहाँ से इस तरह से इसको तोड़ लूँगी। अब आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर ये दो जड़ भी आ गई है। तो जड़ आ गई है तो इसका उगाना और भी आसान हो गया। अब इसको मैं ऐसे कैसे मिट्टी के अंदर ग्रो कर दूँगी। तो ये एक पौधे से दूसरा पौधा हो गया। तो इसका प्रोपोगेशन ऐसे होता है, इसमें भी रनर होते हैं, रनर नहीं होते हैं लेकिन इसमें भी बेबीज होते हैं, और वो इस तरह से होते हैं। अब दिख रहा होगा ये नीचे से जितने भी निकल रहे हैं, इनसे भी आप प्लांट बना सकते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं। ये भी निकल रहा है इधर पर, ये एक बड़ा दिख रहा होगा आपको, ये इसका भी आप प्लांट बना सकते हैं यहाँ से निकाल करके। तो इस तरह से इसको एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो आप इनसे बहुत अच्छा सा अपने घर में सजावट कर सकते हैं ये पौधों की। और इनमें जो खाद देने की बात है, तो NPK 19-19-19 आप महीने में एक दफ़े छिड़काव कर दें। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं हम वही डालते हैं, जो कि नेचुरल चीज़ों से बनता है। मैं फिर कभी आपको इसका वीडियो बना करके बताऊँगी कि मैं कौन सा खाद डालती हूँ। देखिए इस पौधे में कितनी अच्छी चमक है इसकी। तो ये है दोनों के अंदर जो फ़र्क मुझे पता था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों पौधों के अंदर फ़र्क क्या है। इसके अंदर लाइंस देखो बाहर है स्पाइडर प्लांट के अंदर,
तो मैं बता रही थी कि इसके अंदर जो लाइन्स है इसकी पहचान बता रही हूँ कि ये जो स्पाइडर प्लांट है इसके अंदर लाइन्स है ना, ये बाहर की तरफ है और इसके अंदर जो लाइन्स है वो ये अंदर की तरफ है, बाहर ग्रीन लाइन है इसके अंदर। तो ये है इन दोनों की पहचान। जब भी आप नर्सरी में जाएं इस पौधे को ख़रीदने के लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल कड़क कड़क है, थोड़ी सी हार्ड सी होती है, ऐसी हाथ से आप अगर ये उसको छू करके यूँ देखेंगे तो बीच में एक स्टिक आपको दिखाई देगी जो ये होती है नस की तरह से इसकी। तो ये आपको एकदम थोड़ी सी हार्डनेस देगी और स्पाइडर प्लांट के अंदर भी ऐसी होती है, लेकिन ये सॉफ्ट रहेगी। इसको आप छू करके देखेंगे तो थोड़ी सॉफ्टनेस फील होगी आपको। तो ये इसकी पहचान है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। आप जब भी नर्सरी जाएंगे तो पौधे की पहचान करके लेकर के आएंगे। तो ये है पेंटास प्लांट और ये है स्पाइडर प्लांट। तो ठीक है, आप लोगों को फ़र्क समझ में आया? अगर आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।